नवादा शहर चौधरी नगर में दलित संगठन अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष मोर्चा की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी प्रखंडों से सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष मोर्चा के लोगों ने भाग लिया। बैठक में संगठन के सभी साथियों ने कहा कि 21 अगस्त को SC ST समुदाय को मिलने वाले आरक्षण और क्रीमी लेयर वर्गीकरण को लेकर पूरे देश में माहौल गर्म है। बताते चले कि वर्ष 2018 में कुछ इसी प्रकार आंदोलन किया गया था, जिसमें भारत सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था। संगठन के सचिव व सामाजिक कार्यकर्ता चंदन चौधरी ने बताया कि आज जो देश के हालात हैं वो बांग्लादेश की तर्ज पर काम कर रहा है, ताकि देश में अराजकता का माहौल पैदा हो। इसलिए सरकार वैसा काम ही क्यों करती है जिसे देश के नागरिकों के बीच उलझने पैदा हो। सामाजिक कार्यकर्ता व राजद नेता सीताराम चौधरी ने कहा कि आज जो भी राजनीतिक पार्टी इस मुहिम को कमजोर समझ रही है वो अपना भ्रम तोड़ दे, क्योंकि आप जिस समाज के वोट को लेकर पार्लियामेंट गए हैं वही समाज आपको नीचे लेकर जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस देश में हमारी प्राथमिकता पहले है और हमें बांटने की कोशिशें नाकाम होंगी। बैठक में संजय पासवान उर्फ DC, अध्यक्ष चंदन चौधरी, सचिव ज्योति पासवान, शेरू चौधरी, पासी समाज के अध्यक्ष चंद्रिका चौधरी, जितेंद्र चौधरी, अशोक कुमार, गोपाल सरन, नंद किशोर पासवान, यदुनंदन दास, सुरेंद्र रविदास, वीरेंद्र दास आदि ने भारत बंद को लेकर गांव-गांव तक अभियान चलाकर भारत बंद का आह्वान किया। नवादा से सुनील कुमार की रिपोर्ट। कहना क्या है, हम लोग के प्रति बार बार जो अनुसूचित जनजाति के प्रति ये सरकार छेड़छाड़ कर रही है संविधान के साथ, जो सरकार संविधान के साथ बार बार छेड़ करेगी वो देश, राज्य, वो जिला और ब्लॉक, जितने हम लोग 70 साल में सोचे थे कि कुछ विकास होगा, आज भी आप जहाँ भी हैं आप देख लीजिए हमारे लोगों को क्या स्थिति है, नौकरी में या गरीब गुरुआ, दो चार आदमी बढ़ गए तो उसी पे बहुत बड़े हो गए हैं, आरक्षण हटा दिया जाए। मोदी सरकार साफ ये बेईमानी की नीयत थी, इससे प्री प्लानिंग था कि इन लोग को संविधान से वंचित कर देंगे और जात से भी वंचित कर देंगे। जैसे हमारे बीच आज जो ये क्रिमिनल लेयर का बात जो चल रहा है उसमें क्या, तुम्हारा दादा, तुम्हारा बाबा, तुम्हारा नाना, तुम्हारा पोता, तुम्हारा पोती, तुम्हारी नतनी, सब तुम ही लोग रहोगे, हम लोग कहाँ रहेंगे। इसलिए हम लोगों ने पूरे देशव्यापी 21 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है और मेरा नाम संजय कुमार पासवान DC है, मेरे नेतृत्व में, मेरे अध्यक्षता में ये जिला भी बंद होगा, शांतिपूर्ण बंद होगा और संविधान के तहत बंद होगा। बंद को लेकर के आप लोग का क्या तैयारी है? जी, तैयारी यही है कि हम लोग तन मन धन से सभी परिवार, जितने भी बाल बच्चे हैं, सब रोड पर उतर करके सरकार की जो ये साजिश है, हम SC ST का अंधकार में जीवन में लाने के लिए, उसके लिए हम लोग एकदम तन मन धन और यहाँ तक कि आप जान निछावर तक के लिए हम तैयार हैं। और इस सब अभियान जो हम लोग चलाए हैं, हमारे अध्यक्ष आज करते हैं अध्यक्षता मन, ये संजय पासवान जी, उनके अध्यक्षता में हम लोग पूरे नवादा जिला को एकदम ऐसा कर देंगे कि अभी कभी इस तरह का हुआ होगा ना, जो 2 अप्रैल को हुआ था उससे पूरी तरह से नवादा को चक्का जाम करेंगे और बंद, भारत बंद का एकदम पूर्ण रूप से करेंगे। आरक्षण फैसले के खिलाफ में भारत बंद में आपका भी सपोर्ट है जी? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कपिल देव राज बिंस हुआ। कहाँ का हुआ आपका? अम्बेडकर नगर पानवाला। हम लोग संयुक्त मोर्चा संघर्ष के बैनर तले में आप खड़े हैं। हाँ, मैं हम लोग संजय पासवान जी हमारे अध्यक्ष हैं और चंदन जी हमारे सचिव हैं, मैं उनके नेतृत्व में 21 तारीख को, 21 अगस्त को हम लोग जो भारत बंद का जो इन्होंने आह्वान का जो आज हम लोग जो आम सभा किए हैं, हम लोग तन मन धन से उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे और भारत बंद का सब लोग मिल के सारे संगठन को ले करके एकत्रित होकर के और जुलूस के साथ और जनसभा के साथ हम लोग भारत बंद का पूरा वो करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है, ग्राम पंचायत बदोखरा। लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और जो भी अनुसूचित जाति के वर्ग के जाति हैं, जैसे पासवान समाज, पासी समाज,
रविदास समाज और राजवंशी समाज और रजक समाज और सभी जो अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष हैं वो उन लोगों से हम लोगों ने वार्ता किया और सभी ने अपना अपना समर्थन देने का बात किया है। और भी कई सामाजिक संगठन हैं जो इस आंदोलन में अपना समर्थन दे रहे हैं, जैसे कि आपको राजनीतिक पार्टी में आ जाइए तो बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी और लोक जनशक्ति पार्टी और भी कई पार्टियां अभी समर्थन देने का हो सकता है घोषणा करें। लेकिन हम लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि जो अनुसूचित जाति के साथ में जो एससी एसटी के साथ में लगातार जो कानून के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो के द्वारा जो है यह निर्णय लिया गया है, ये हमारे संवैधानिक अधिकार को ख़त्म करने का जो काम कर रही है, तो इसके लिए हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आरक्षण जब तक हम लोगों को 70 साल अभी चाहिए मिला है, हम लोगों को समाज को 70 साल और चाहिए, और जब तक 70 साल हम लोगों को नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग आंदोलन सड़क पर करते रहेंगे। हम लोगों का समाज अभी भी हाशिए पर है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है और सामाजिक रूप से उसको बहिष्कृत किया गया है। मान सम्मान जब तक नहीं मिलता है, जब तक मान सम्मान नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोगों को आरक्षण चाहिए। आरक्षण का आधार कभी आर्थिक आधार पर नहीं था, आरक्षण का आधार सामाजिक बहिष्कार के लेकर के था, सामाजिक खाई की। चंदन जी एक मिनट, हमें बता देंगे कि 2 अप्रैल का जो जाम किए थे उससे गंभीर रूप से हम लोग जाम करेंगे और सबक सिखा देंगे कि हर समय जो फैसला लाते रहते हैं सरकार कुछ न कुछ, और अब सहारा लिया है न्यायालय के थ्रू, तो न्यायालय को भी बता देना चाहता हूँ, चैलेंज मैं करता हूँ कि न्यायालय अब अपना ये सिस्टम बंद करें। कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ भी हम लोग उतरने जा रहे हैं और लड़ाई बंद नहीं होगा। आप आए हैं सामने तो आपके साथ भी लड़ाई मैं जारी रखूँगा और आपका भी न्यायालय में जो फैसला आते रहता है ये भी एसी के साथ में टकराइएगा तो कोलिजियम सिस्टम को भी खिलाफ हम लोग उतरेंगे, सब पर जाम करेंगे, अगला लड़ाई जारी है। 21 तारीख का भरपूर जाम रहेंगे रखेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सीताराम चौधरी। जब बैंक की आवाज़ स्पीकर के बाद उसके कान में जाएगी तब उसको महसूस होगा कि सच में भारत बंद होने, और अगर आप लोग समय इस चीज़ को वहां तक पहुंचा देते हैं आज तो मेरा पूर्ण विश्वास है, मैं दावा के साथ कर सकता हूं कि 2 अप्रैल से दुगना भीड़ इस बार 21 अगस्त को नवादा की धरती पर देखने को मिलेगी। बस अपने लोगों तक वो बात पहुँचाना है कि आखिर कर क्या रहा है, हम लोग को बांटने की साजिश कैसे किया जा रहा है, और ये आंदोलन 21 तारीख को ही बंद नहीं होना चाहिए। मैं तो बार बार कहता अपने समाज के लोगों को, एक आंदोलन आप लोग करते हैं सफल करते हैं उसके बाद सो जाते हैं, यही आपका दुर्गति का कारण है। ये संगठन पार्टी नहीं समाज का मीटिंग हमेशा होते रहना और जिला में कैसे आपका संख्या यहाँ पे इतना काफ़ी है, पूरे भारत में तीसरा या चौथा जिला ऐसा है नवादा जिला जहाँ दलितों की संख्या सबसे ज़्यादा है, और वहाँ पर आप लोग कहीं ना कहीं चमचा बन के घूम रहे हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो। अरे इतनी संख्या है आपके पास कि आपको गाड़ी पर बैठाने के लिए लोग ललायत रहता कि आइए साहब बैठिए मेरे साथ, लेकिन आप क्या करते हैं, हमारे समाज को क्या प्रतिष्ठा है। आज वो थाना में वो थानेदार हमारा समाज का एक भी नेता बता दीजिए, एक भी नेता बता दीजिए समाज का जो जाकर थाना में फोन कर दे और थानेदार हिल जाए। हर एक समाज का एक नेता मिलेगा लेकिन दलित समाज का एक भी नहीं मिलता है, आपने बनाया नहीं। आपको समाज का मजबूत लोगों से एलर्जी है, यही आपके दुर्गति का कारण है। मजबूत आदमी ही आपको साथ दे सकता है, आपको बचा सकता है, और जो समाज में थोड़ा सा आगे निकलता है उसी से आपको नफरत हो जाता है। जब तक ये आपको मनोवृत्ति रहेगी आप कभी नहीं बच पाइए। आज बाबा साहब ने समाज का नेतृत्व किया तो इसलिए किया कि उसके पिताजी सूबेदार थे, वो शरीर से हस्तपुष्ट थे। कांतिराम जी ने समाज का नेतृत्व किया तो इसलिए किया कि वो पढ़े लिखे थे और शरीर से मजबूत थे, आर्थिक रूप से संपन्न थे। यदि आपके दिमाग में यह घूमता है कि एक गरीब आदमी अनपढ़ आदमी आपका नेता हो जाएगा तो ये सब भूल भुलाव में है, वो कभी अपने जगह पर नहीं पहुँचेगा। इसलिए समाज का एक खुट्टा मजबूत कीजिए।